है ना। तो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से जी, ठीक है। तो गैमिट क्या होता है, गैमिटोजिनेसिस क्या होता है, इसी से हम लोग बात करेंगे। तो एक पॉइंट था आप लोगों के लिए, गैमिटोजिनेसिस जब भी होता है, यू हैव, हम लोग सब जानते हैं गैमिटोजिनेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमिट, है ना जी, इज कॉल्ड गैमिटोजिनेसिस, है ना। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, ये भी सुबह हम बता दिए थे। कुछ अलगी सर ऐसे हैं, सम अलगी, टू गैमिट्स आर, आपको लिखा सो सिमिलर इन द, लिखा आपको अपेयरेंस, है ना। कुछ गैमिट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं सर, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज इन द मेल एंड फीमेल गैमिट, है ना। पेन चलाना ये सब कोई खास नहीं है, हम तुमको खास बात बता दिए थे कि गैमिट दो तरह के हो सकते हैं, एक होमोगैमिट और एक हेट्रोगैमिट जी, ठीक है। तो वही अभी होमोगैमिट का एग्जाम्पल लेके तुमको समझा रहा है। तो सम अलगी लिखा हुआ है जी, ठीक है, सारा अलगी को मत समझ जाइएगा, ठीक है। और नीचे हम फोटो भी दिखा चुके हैं, फोटो जब देखिएगा तो आपको क्लैडोफोरा नाम का जो अलगी है सर, ये वाला जो अलगी आप देख रहे हैं, यही आइसोगैमिट शो करता है जी, ठीक है। आइसो का मतलब सब जान रहे हो ना, मैंने कि सेम टाइप का गैमिट, ठीक है। तो इस पेज को पलटते हैं हम लोग, ठीक है। फोटो आप देख चुके थे हम लोग सुबह में, है ना, एक मिनट, इसके जस्ट बाद वाला एक फोटो देखिए आप लोग, हाँ ये वाला पेज। तो इस पेज में ही हम लोग को आप है अभी हम लोग, तो कह रहा कि जब आपको सेम टाइप के गैमिट मिलते हैं उसको हम लोग होमोगैमिट या आइसोगैमिट कहते हैं। लेकिन सर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, यही लाइन हम तुम लोग को बोले भी थे, नीट है ना ये सबका फायदा उठाता है, मेजोरिटी में कौन है जी, ठीक है, मेजोरिटी में, मेजोरिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म, गैमिट्स टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, है ना। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट माने देखने में बिल्कुल अलग दिखाई देगा जी, जिसका एक, इस घटना को हिट्रोगैमिट्स कहते हैं, जिसमें से मेल गैमिट को हम लोग एंथ्रोजोइट या स्पर्म कहते हैं जी, ठीक है, और फीमेल गैमिट को एग या ओवम के नाम से हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट करा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सर, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी का वही मतलब बताए थे जी, कैसा नेचर का, कैसा बिहेवियर का, ठीक है। तो ये भी हम लोग चर्चा किए थे, है ना, इस पॉइंट को भी हम लोग सुबह में देखे थे आप लोग को, कि सेक्सुअलिटी की जब बात करते हैं सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म जनरली फ्यूजन ऑफ गैमिट को शो करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में, दो अलग अलग के बीच में जब गैमिट का अदला बदली होता है सर, इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेक्सुअलिटी कहते हैं। बट ये हमेशा सही नहीं है सर, बात सही है, हम तो आज दिन में ही बताए थे कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल एक ही शरीर पे होता है सर, जबकि किसी किसी में क्या देखते हैं, मेल फीमेल अलग अलग दिखाई देता है जी, जैसे हम लोगों में जी, ठीक है, हम लोगों में क्या होता है सर, आपको मेल फीमेल अलग अलग होता है जी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप लोग को एक नॉर्मल सेंस में पूछा जाए कि सर सेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग यही बोलता है हिंदी में कि लड़का और लड़की, और यहाँ पे, लेकिन सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी जैसे अर्थ बम का नाम लीजिए, है ना, अर्थ बम, अगला पेज जब उल्टाइएगा ना तो उसमें फोटो दिया हुआ अर्थ बम का, ठीक है। तो अर्थ बम के एक ही शरीर के अंदर में टेस्टिस भी होता है जी और ओवरी भी होता है जी, ठीक है, यही बात तुम लोग को समझना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहे थे तुम लोगों को ये पॉइंट, है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जनरली आपको इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ गैमिट टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट इज नॉट ट्रू, है ना। फ्रॉम योर रिकलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट क्लास इलेवेंथ में तुम लोग पढ़े हुए हो कि हम लोग देखे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसको हम थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे जी, है ना, कि ये क्या होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं। और आप ये भी जानते हैं आपको, है ना जी, आपको एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, आप इजी मतलब कुछ प्लांट सबका भी एग्जाम्पल सब लेकर के आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ज्यादातर पेड़ पौधा में मेल और फीमेल एक साथ ही होता है जी, ठीक है। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। हाइलाइटर यूज करना चाहते हो तो हाइलाइटर बस इस पे मारिएगा जी, ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअल मतलब बाइसेक्सुअल वर्ड आ गया जी, ठीक है। तो और या डिफरेंट डिफरेंट हो सर, कोई ऐसा प्लांट जिसमें मेल फीमेल अलग अलग रहता हो, जैसे आप खजूर का पेड़ का नाम सुनेगा या तार का पेड़ का नाम, है ना जी, तो तार के पेड़ में देखिए मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है जी, ठीक है। जिस तार के पेड़ में देखिए फल लगता है वो आपको फीमेल है जी, और जिस तार के पेड़ में फल नहीं लगता है जी वो आपको क्या है, मेल है जी, ठीक है। इन सेवरल फंजाई, है ना जी, सेवरल फंजाई प्लांट, है ना, इज कॉल्ड होमोथैलिक। देखो होमोथैलिक का मतलब बताए थे बाइसेक्सुअल, है ना जी, या इसी को मोनोसियस कहते हैं या इसी को बाइसेक्सुअल कहते हैं जी, ठीक है। और कलर पेन यूज कर रही हो, है ना जी, तो कलर पेन से हाईलाइट कीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये लाइन समझ में आ रहा है सब आदमी को, कि बहुत सारे फंगस, है ना, प्लांट टर्म एज होमोथैलिक या मोनोसियस या डिनोटेड एज बाइसेक्सुअल कंडीशन, बट कुछ ऐसे भी हैं सर जो हिट्रोथैलिक है जी, ठीक है। हिट्रोथैलिक कहने का मतलब, है ना जी, डायोसियस इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को, है ना, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हेट्रोथैलिक।
या डायोसियस है ना। इन फ्लावरिंग प्लांट है ना जी, फ्लावरिंग प्लांट जो देखते हैं यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, ऐसा कोई पेड़ पौधा जिसमें सिर्फ तुम मेल ही देखती हो ठीक है, तो उसको स्टामिनेट कहते हैं। आप लोगों को याद आ रहा है 11th का कुछ लाइन सब? नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि आप लोग जैसे कोई फ्लावर बनाते हैं ना जी, फोटोग्राफ देखिएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ फ्लावर हम लोग 11th में देखे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, तो ये हिस्सा जो देखते हैं सर साइड वाला है ना जी, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, एक बार कलर चेंज करते हैं हम है ना, तो ये वाला जो हिस्सा देखते हैं सर आप है ना, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे थे है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टामिन बोलते हैं जी ठीक है। और ये जो हिस्सा देखते हैं सर है ना, ये वाला हिस्सा फीम, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पिस्टिल के नाम से बुलाते हैं जी। बात जा रहा है समझ में, उल्टा नहीं हो जाना चाहिए ठीक है। हम अभी थोड़ी देर बाद फोटोग्राफ को बदल के बना देंगे, पहले रीडिंग दे देते हैं। तो जब हम किसी फ्लावर को देखते हैं ना सर, तो उसको ये स्टामिन होता है और ये आपको क्या होता है, पिस्टिल होता है सर है ना जी। अगर दोनों एक साथ है तो बाइसेक्सुअल, दोनों अलग अलग है सर, अभी जैसा कि हम बोले भी थे तुम लोग को, तो अलग अलग होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे है ना जी, यूनिसेक्सुअल। तो देखिए सर, कोई ऐसा पेड़ है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, स्टामिन हो है ना जी, सिर्फ और सिर्फ स्टामिन, देख रहे हो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ये बच्चा और ये बच्चा जी ठीक है। तो इस दोनों को एक साथ मिला के हम लोग स्टामिनेट के नाम से बुलाएंगे, कोई खास लाइन नहीं है, समझ के आगे बढ़ जाओ कि ऐसा कोई प्लांट है ना जी जिसमें आप क्या देखे, एक फ्लावर दिखाई दे रहा मेल फ्लावर, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे है ना, स्टामिनेट के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। जबकि तुमको वही जगह पे है ना फीमेल फ्लावर हो तो उसको पिस्टिलेट के नाम से लाएंगे या पिस्टिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं जी ठीक है। अब देखिए हाइलाइटर चलाइएगा अच्छा से, यही मेडिकल का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम पूछेंगे जी 2014 या 16 में पूछा है मेडिकल में है ना। तो पहले एक लाइन समझ लो पहले है ना जी, हाइलाइटर यूज कीजिएगा आप लोग ठीक है। तो यहां लिखा वो लाइन फिर से देखो, यहाँ इन है ना, इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी ऑन प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। जब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसे लड़का और लड़की वाला पार्ट है ना एक ही शरीर पे होता है सर, फोटोग्राफ बना के समझना चाहोगे तो मान लेते सर ये यहाँ पे एक फोटोग्राफ बना रहे हैं हम, कुछ ऐसे पेड़ है सर जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही शरीर पर है सर। यहाँ पे मान लो था देख लिए मेल फ्लावर है और यहाँ पे मान लो था देख लिए फीमेल फ्लावर है जी ठीक है। तो जब कोई ऐसा घटना देखते हो तो उसको तुम क्या नाम से बुलाओगे, मोनोसियस के नाम से बुलाओगी, लेकिन यही जगह अलग अलग रहता है सर। अलग अलग कहने का मतलब क्या है ना जी, दो अलग अलग जगह पे रहता है जी ठीक है। पॉइंट समझिए कि सर ये इस तरह से कोई प्लांट है और यहाँ पे एक इस पे मेल है ना, और इस पे फीमेल है सर, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग यूनिसेक्सुअल या डायोसियस के नाम से बुलाएंगे जी ठीक है। समझा पाए तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारोगे तुम लोग है ना ये लाइन को। मोनोसियस प्लांट है ना जी, कुकुरबिट्स है और कोकोनट है ना, यहां से समझ में आया ना। इन हम बोले वही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक, और ये लाइन हाइलाइटर चलाइएगा, मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल कुकुरबिट, कुकुरबिट खीरा है ना जी, खीरा के पेड़ में देखते हैं मेल और फीमेल एक ही साथ होता है जी ठीक है। और नारियल के पेड़ में भी, कोकोनट बोल रहे हैं हम ठीक है, आपको ये है डेट प्लाम या पाम ट्री नहीं बोला जा रहा है ठीक है। तो कोकोनट का पेड़ ये दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल है। वही जगह पे पपाया, पपीता का पेड़ और खजूर का पेड़ जी, ये दोनों क्या है आपको, डायोसियस है जी। डायोसियस कहने का मतलब यूनिसेक्सुअल है जी ठीक है। एक बार इसको और समझने की कोशिश कीजिए जी सब आदमी ठीक है, एक बार लास्ट टाइम हम कोशिश करें कुछ नया चीज बताने का है ना जी। एक क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो देखिए है ना, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। तो एक पेड़ है सर, ये मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ में हम क्या देख रहे हैं सर, एक टहनी ये वाला है और दूसरा टहनी ये वाला है जी ठीक है। और एक मिनट, हाँ तो इस टहनी पे सर क्या है आपको है ना, एक पेड़ आपको बनाए हम कुछ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा ही है ना। तो इस पेड़ हम बना रहे हैं सर आपको फ्लावर, एक जो मेल रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है, और इस पे एक फ्लावर है सर जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जी ठीक है। यहाँ पे फीमेल फ्लावर है और यहाँ पे मेल फ्लावर है, आप लोग मेल फीमेल फ्लावर समझ गए ना, अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे कि अगर ऐसा कोई फोटो तुम देखते हो उसको फीमेल फ्लावर बोलते हैं जी ठीक है, और ऐसा वाला देखते हैं सर तो इसको हम लोग मेल फ्लावर बोलते हैं जी, ये वाला हिस्सा को। तो स्टामिन है ये, तो तुम क्या गौर की कि सर एक ऐसा पेड़ है जिसमें मेल फ्लावर एक तरफ है दूसरी तरफ फीमेल फ्लावर है सर ठीक है। तो सर आप इस जगह पे ध्यान देना हम जो बोल रहे हैं ठीक है, इस जगह पे प्लांट का नाम क्या होगा सर, पूरा प्लांट को तुम क्या कहोगी, पूरा प्लांट को बाइसेक्सुअल कहेंगे, नो डाउट पूरा प्लांट तो बाइसेक्सुअल है सर है ना, क्लियर हुआ। लेकिन सर फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है ना,
लड़का अलग है लड़की अलग है ना। अभी आप जैसे चाइना रोज या अरहुल का फूल देखिएगा ना, तो अरहुल के फूल में दोनों एक साथ दिखाई देगा, मतलब फीमेल भी एक साथ और मेल भी एक साथ जी, ठीक है। कोई चाइना रोज का फोटो आप देखे हो है ना, तो उसमें आप जब देखिएगा, यहां हम देख जाइए थोड़ी देर बाद हम नेट शेयर कर देंगे तो उसमें आपको समझा सकते हैं, पर कोशिश करो ऐसे ही समझने का। देखो ये एक फीमेल फ्लावर हुआ और मेल फ्लावर हुआ, जब दोनों एक साथ रहेगा सर, ये मेल फ्लावर हुआ और ये फीमेल, जब एक साथ रहता है तुम क्या कहता है इसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर। वर्ड पे ध्यान दीजिए हम क्या बोले, यही वर्ड बच्चे को कंफ्यूज करता है ना, यही वर्ड नीट का क्वेश्चन है। फिर से बोलते हैं, अगर आप एक ही पेड़ पे लड़का और लड़की वाला प्लांट पार्ट को देखते हैं तो इस घटना को बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे सर। लेकिन आप गौर किए सर कि मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है सर, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे है ना जी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट बाइसेक्सुअल है जी, बात समझा दिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, ये फ्लावर के बारे में कोई लड़का एक बार डिस्क्रिप्शन देगा तो क्या बोलेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेगा है ना। लेकिन सर प्लांट के बारे में जब पूछ दिया जाएगा तो क्या बोलेगा, वो बाइसेक्सुअल के नाम से उसको बुलाएगा जी, ठीक है। तो कुछ शेयर करते हैं, रुक जाओ एक मिनट, हम इसको मिटाते हैं है ना, थोड़ा देर रुक जाइए, हम नेट से दिखाते हैं, फोटोग्राफ दिखा देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ हेलो, तो एक मिनट देखिए, आप फ्लावर का फोटोग्राफ दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, हाँ देखिए, तो ये आप एक आपको खीरा का पेड़ का देख रहे हैं जी फोटोग्राफ, ठीक है। खीरा का पेड़ को लड़का देखा हो, कुकुम्बर फ्लावर है ना जी, तो खीरा का पेड़ में आप दो फ्लावर देखते हैं जी, ठीक है। एक ये वाला फ्लावर आप देख रहे होंगे और एक ऐसा वाला, कोई देखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को इमेजिन करना होगा कि सर ये दो तरह का फ्लावर है सर, एक्चुअली में ये फीमेल फ्लावर है जी, ठीक है, और ये क्या आपको मेल फ्लावर है जी, ठीक है। पॉइंट ये है कि सर आपको ये दोनों फ्लावर एक ही पेड़ पे ग्रो करता है जी, दो अलग अलग पेड़ नहीं, एक ही पेड़ पे। अगर एक और दो फोटो आप इसी में लिए होंगे तो आ गया हो, देखिए जैसे ये फ्लावर आप देख रहे हैं है ना, यहाँ पे आप एक और कुछ देखते हैं इसमें है कि नहीं, वन सेकेंड है ना, ये इस फोटोग्राफ में देखने की कोशिश कीजिएगा तो गौर कीजिएगा, तो ये फीमेल फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है और ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब मेल फ्लावर दिखाई दे रहा है जी। तो प्लांट बाइसेक्सुअल है सर है ना, बट फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है जी, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है जी, हम क्वेश्चन आप बोलेंगे थोड़ी देर में, इसको हम हटा रहे हैं है ना, एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या था है ना, उसको देखिए है ना, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जी, क्वेश्चन ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव है ना बाइसेक्सुअल फॉलोइंग है बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्वेश्चन समझ गए ना, कौन ऐसा फूल है ना जो कि बाइसेक्सुअल है। पहला ऑप्शन था कुकुम्बर, अब दूसरा ऑप्शन हम लिख रहे हैं है ना चाइना रोज, इसी का नाम हिबिस्कस भी है जी, और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं हम, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, इस जगह पे लिख रहे हैं जी थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन में हम दे रहे हैं है ना डेट प्लम, और लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं है ना पपाया। क्वेश्चन समझ में आया सब आदमी को है ना जी, तो बाइसेक्सुअल है ना जी, तो बहुत लड़का टिक मार सकता था इसको है ना जी, लेकिन यही फंस गए आप लोग, ठीक है। ध्यान रखना है कि सर ये
बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, टू आंसर होगा है ना जी, जिसका आंसर टू होगा वो सही बोले हो, ठीक है। तो ये वाला जो अगर आप बोल रहे हैं तो ये सही है, बाकी चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन गलत है। कैसे? देखिए कुकुम्बर पेड़ बाइसेक्सुअल है सर, पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ये दोनों तो यूनिसेक्सुअल होवे करेगा डेफिनेटली, क्योंकि पेड़ यूनिसेक्सुअल होता है इसका, तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल ही होगा ना। बात समझा दें जी, आप लोग इस पर गौर कीजिएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग है ना। आप रुक जाइए, हम थोड़ा सा बुक खोलेंगे तब आपको बुक से दिखाएंगे, बुक खोल लीजिए एक मिनट। हाँ एक मिनट आ गया। तो देखिए यही पेज हम लोग पढ़ रहे थे अभी है ना, इसी पेज को देखिए आप लोग। तो पॉइंट कहाँ पे थे हम लोग, ये यहाँ पे एक एग्जांपल पे थे जी, ठीक है एक मिनट, बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए एग्जांपल पे हम लोग थे, एग्जांपल आप लोग देखिए डेट प्लम पपाया। देखिए जिस बच्चे को ज्यादा लोड हो गया होगा तो आप लोग सीधा एग्जाम्पल रट लीजिएगा है ना, यूनिसेक्सुअल का और बाइसेक्सुअल का जी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है नेम द है ना, इक्वेशन पे जवाब देते हैं, नेम द लिखा टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय द स्टामिनेट एंड पिस्टिलेट। तो कोई बच्चा नहीं जानता स्टामिनेट क्या होगा, मेल गैमेट नहीं बनाएगा जी, बोल नहीं सकता कोई लड़का इस पे, ये मेल गैमेट बनाता है ना, और ये क्या बनाएगा सर, फीमेल गैमेट बनाएगा है ना, समझ आ रहा है आप लोग को। अब आगे चलिए, व्हाट अबाउट एनिमल, अब एनिमल को लेकर के यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझाने की कोशिश कर रहा है जी, वही बात होगा जो प्लांट के लिए तुम लोग सुना था, ऑल इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, अगर मेल फीमेल अलग अलग होगा तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। अगर बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी है सर जिसमें मेल फीमेल एक ही शरीर पर, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे जी, जो ब्रैकेट में लिखा वो आंसर है जी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर, यू प्रोबेबली आपको कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल, आपको एनिमल का तुम लिस्ट बना सकते हो। आप हाईलाइटर चलाइएगा इस लाइन पे है ना जी, और आप लोग से पूछता है अर्थ वर्म है ना, स्पॉन्ज, टेप वर्म और लीच, ये सब एक टिपिकल बाइसेक्सुअल एनिमल है जिसके पास मेल फीमेल एक ही शरीर पे होता है जी, ठीक है। और इस घटना को हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। जबकि तुम कॉकरोच को देखते हो ना, तो कॉकरोच क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। देखो यहीं पे कूलर का देखो फुल स्टॉप ना छूट गया, देखा जी बहुत लगा तेजी में पढ़ने के चक्कर में ना फुल स्टॉप भूल जाता है जी, ठीक है, और फुल स्टॉप भूलने के चक्कर में सबसे गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक फुल स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब हर्माफ्रोडाइट्स का कौन कौन एग्जांपल होगा, अर्थबॉम, स्पॉन्ज, टेप, लीच, ये सब आपको हर्माफ्रोडाइट्स का एग्जाम्पल है जी, ठीक है, नॉट बाइसेक्सुअल का। और कॉकरोच जो देख रहे हैं आप लोग, कॉकरोच ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल का। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कीजिएगा, आप लोग हिंदी मतलब से भी समझ गए होंगे और आप लोग थियोरेटिकली भी समझ गए होंगे। आप एक बात गौर कीजिए, हाइड्रा का पौधा, ठीक है, सॉरी हाइड्रा एक एनिमल है, सॉरी है ना जी, हाइड्रा को जब देखता है कोई लड़का, याद कीजिएगा आपको 11th का एक फोटोग्राफ, या नहीं तो अभी भी समझ के याद कर सकते हैं आप, हाइड्रा इस चैप्टर में भी कहीं पे देखे थे, बर्डिंग बनाता है जी। तो हाइड्रा कुछ इस तरह से होता है सर, है ना जी, ये हिस्सा है हाइड्रा का शरीर है ना जी। ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है हाइड्रा, भले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा करता हो, पर जब हालात खराब होता है तो ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है जी, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है सर, एक यहाँ पे मेल होता है सर, है ना जी, याद रखना होगा तुम लोग को, और नीचे में क्या होता है, फीमेल होता है जी। इसे तो तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि बाइसेक्सुअल है ना जी, तो ये लोग बाइसेक्सुअल होते हैं है ना जी। अब एक बात गौर कीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं समझ में आ जाएगा सब आदमी, अगर मेल है ना अपने ही फीमेल के साथ क्रॉस करेगा जी, ठीक है, मतलब यहाँ स्पर्म बना होगा है ना जी, यहाँ पे क्या बना होगा, ओवम, और जब ये स्पर्म निकल करके सर अब फिर इसी में घुस जाता हो, ठीक है, मतलब मेल ऑर्गन भी एक ही शरीर पर है और फीमेल ऑर्गन भी एक ही शरीर पर है, और सर अपने में ही क्रॉस कर रहा है, मतलब मेल का स्पर्म निकल रहा है तो अपने ही फीमेल को फर्टिलाइज कर रहा है सर। तो इस घटना को कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, समझ में आया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन अच्छा भी हो सकता है सर, खराब भी हो सकता है सर, ज्यादातर केस में सर ये कॉन्स्टेंसी मेंटेन रखता है। अभी हम ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन अच्छा खराब है वो नहीं बोल रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब समझे ना, अगर सेक्स ऑर्गन एक ही शरीर पर हो सर, अपने में ही क्रॉस कर लेता हो और अपने में क्रॉस करके बच्चे को पैदा करता हो, तो ऐसे घटना को सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ तुम देखोगे तो अभी यहाँ पे था, यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना जी,
ये लाइन पे क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द केस ऑफ द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑब्जर्व किए हो कि नहीं किए हो, तो इसका जवाब क्या होगा सर, द हर्माफ्रोडाइट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है सर। तुम लोग खुद समझ गया होगा कि भाई यूनिसेक्स वाले लेंगे तो सर मेल फीमेल अलग अलग होवे करेगा, तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी हो ही नहीं सकता। देखो हम लोगों में कभी ऐसा हुआ कि अपने अपने में क्रॉस कर ले, ऐसा तो रहे जी, है ना जी, मेल अलग होता है और फीमेल क्या होगा सर आपको अलग होगा जी। अगर आप दो अलग अलग शरीर के साथ क्रॉस करवाते हैं तो इसका मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन अपने ही शरीर में क्रॉस होता है सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव प्रोबेबिलिटी टू फ्यूज इटसेल्फ और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नहीं समझे तो फिर से बोलते हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने के चांसेस ज्यादा है। आप लोग आंख बंद करके बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पे टिक मार दीजिएगा, है ना जी, समझा दिए। लेकिन आप लोगों को हम 11th में पढ़ाए थे, ये बात हो गया खत्म टॉपिक, ठीक है। हम कुछ नया बात बताना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर दुनिया में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अर्थ बम को ले लो, तुम लोग एक पेज पलटोगे तो एक पेज पलट के भी देख सकते हो, पेज नंबर 12 पे जाओगे ना तो अर्थ बम का फोटो दिया होगा, यहाँ पे उसका टेस्टिस दिखाया होगा और इस जगह पे क्या दिखाया होगा, उसका ओवरी दिखाया होगा जी, ठीक है। तो सर ये अर्थ बम के पास पूरा आपको संभावना है कि अपने में ही क्रॉस कर ले, है ना जी, ये एक अर्थ बम है, इसका मेल पार्ट और ये इसका फीमेल पार्ट, अपने अपने में भी क्रॉस कर सकता है सर, पर नहीं करता है सर। देखो अपने अपने में क्रॉस करने से क्या होता है कि अच्छा बच्चे बनने की संभावना घट जाता है जी, ठीक है, उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस क्या होता है बढ़ जाता है जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे है ना कि जब आप दूसरे अर्थ बम के साथ क्रॉस करते, देखो यहाँ पे दूसरा अर्थ बम आ गया है ना जी, और ये अर्थ बम क्या करता है ना, इसका मेल है ना जी, इसका जो मेल है सर है ना, इसके फीमेल के साथ क्रॉस करता है जी, है ना, इसका जो फीमेल है सर है ना, इसके मेल के साथ क्रॉस करता है जी, ठीक है। आप लोग तुम देख के ही बोल देगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन सर, है ना जी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझ में आ रहा ना, जब दो अलग अलग के बीच में क्रॉस होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब हम एक पॉइंट बता देते हैं, आप लोग एनसीईआरटी बुक में लिख लीजिएगा, मोस्टली बाइसेक्सुअल एनिमल डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू हाई वेरिएशन क्रिएट, समझ में आया लाइन क्या बोले, ज्यादातर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं सर ताकि बच्चा कुछ नया बने, है ना जी, ये लाइन साइड में लिख लीजिए, फिंगर टिप्स में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मोस्ट एक्यूरेटली करेक्ट, है ना जी, तो दिया था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म सही है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म सही है, तो आंख बंद करके हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने वाला ही अच्छा होता है सर, है ना जी। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना जी, कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मोस्टली, है ना जी, बाइसेक्सुअल संभावना तो है अपने में क्रॉस करने का लेकिन नहीं करता है वो, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है ना जी मोस्टली है ना, मोस्टली है ना डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, वो क्या शो करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है जी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। टॉपिक खत्म हुआ जी, तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना, और एक पेज पलटिए, यहां से अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एक पेज पलटिए सब आदमी पहले, ठीक है, हम भी पलट रहे हैं तो वो देखिए आप लोग पहले, अब कट जाएगा लाइन, ठीक है, इसीलिए हम यहीं तक रहेंगे, पर एक फोटो देख लीजिए सब आदमी, ठीक है, फोटो भी रहेगा। हाँ देखिए, ये आपको एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, तो पहला फोटोग्राफ आप लोग देख लिए होंगे, ये है बाइसेक्सुअल का जी, ये यूनिसेक्सुअल का है जी, ठीक है, इसमें मेल अलग है और फीमेल अलग है जी, ठीक है, आप लोग को ये फोटोग्राफ वीवीआई मानना है जी, ठीक है, सब आदमी के लिए ये फोटोग्राफ वीवीआई है, 11th के एनसीईआरटी में पहले था, अब नहीं है जी फोटोग्राफ, तो ये इंपॉर्टेंट है जी, ये एक ग्रीन अलगी का फोटोग्राफ है जी, ठीक है, ग्रीन अलगी जिसका नाम कारा है जी, ठीक है, ग्रीन अलगी है जिसका नाम क्या है, कारा के नाम से जानते हैं जी, लिखा हुआ नीचे फोटोग्राफ में आप गौर कर रहे हो, इसमें बाइसेक्सुअल है सर, कैसे कह दिया बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल एक साथ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, ये देखो इतना दूर का हिस्सा को जूम किया है ना, इस पॉइंट को जब देखिएगा आप लोग, इतना दूर को जूम करके तब दिखाया गया है जी, ठीक है, ये फीमेल पार्ट हुआ है ना जी, और ये क्या हुआ आपको, मेल पार्ट हुआ जी, ठीक है। आप लोग को मेडिकल में क्वेश्चन क्या पूछा था, कह दिया था कारा में, फोटो नहीं दिया था, सीधे पूछा था कारा में कौन बात सही है, तो ऑप्शन में दिया था कि फीमेल सेक्स ऑर्गन अपर और मेल सेक्स ऑर्गन लोअर, अब दूसरा ऑप्शन में दिया था कि मेल सेक्स ऑर्गन अपर और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर लोअर, है ना जी, तो आप तुम कंफ्यूज मत होना, तो फोटोग्राफ तो देख लिया हो तो समझ में आ गया होगा, यूबोनियम वर्ड का इस्तेमाल फीमेल के लिए करते हैं और है ना एंथ्रिडियम का इस्तेमाल मेल के लिए करते हैं जी, ठीक है, तो ये समझा दिए आप लोगों को, ये भी 11th का फोटोग्राफ है ना, जिसका नाम क्या है, मार्चेंटिया, ये यूनिसेक्सुअल है जी, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यूनिसेक्सुअल, आपको मार्चेंटिया, आपको फीमेल अलग है
और मेल अलग है जी। हम उस समय भी कहे थे कि कैसे तुम समझ जाएगा ये लड़का है या लड़की है, तो जवाब है कि अच्छा लगता है फ्लावर देखने में सर, तो आर्चिनोगोनियम फीमेल का फ्लावर अच्छा होता है, मेल था देख रहे हो ब्लड टाइप का, एंथ्रेडो फोर के नाम से इसको बुलाते हैं। ये स्वीट पोटैटो का है ना आपको फोटोग्राफ है जी, जो कि बाइसेक्सुअल है। कैसे कह दिया बाइसेक्सुअल, तो देख रहे हो स्टामेन और कार्पेल, कार्पेल मतलब पिस्टिल ही होता है, दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बाइसेक्सुअल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। कल हम लोग को पढ़ना है दुनिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं और कितने तरह के ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं जी, ये कल का क्लास होगा जी, ठीक है। एक पेज पीछे जाओगे ना तो इसमें यहाँ पे वही दिया हुआ है, तो आप तुमको याद रखना होगा कि कौन हैप्लॉइड है और कौन डिप्लॉइड है जी, ठीक है। और जब ये तुम समझ जाओगी तो हैप्लॉइड कैसे बच्चे को गैमिट बनाता है सर, है ना, और डिप्लॉइड कैसे गैमिट बनाता है जी, ठीक है। और सर वो सेल जो गैमिट बनाता है सर, उस सेल को हम लोग मियोसाइट सेल कहते हैं, मियोसाइट मतलब गैमिट मदर सेल, गैमिट मदर सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, मियोसाइट के नाम से बुलाते हैं जी। ये कल का सुबह में क्लास होगा जी, ठीक है, तो इसमें हम सुबह में हम आपको ये बता देंगे जी, ठीक है। हो गया क्लास इन, बाय बाय, ठीक है, द एंड हो रहा है।